हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से एटी क्लास में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए इससे क्लास ट्वेल्थ और टेंथ के लिए लेकर आ गया हूँ। इसमें बताऊँगा कि क्या इम्पॉर्टेंट है, कौन सा इससे कैसे इससे लिखें जिससे कि आपको फुल मार्क्स ट्वेल्थ 12 का 12 नंबर पूरा आपको मिल सके। ठीक है ना, बस मेरा एक ही उद्देश्य कि आपको 12 नंबर टोटल मिल सके आपके एग्ज़ाम में, जिससे भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैं दो इससे पहले बता देता हूँ, दो ही इससे मैं उठाया हूँ और इससे तो आपके स्कूल में बता दिया गया होगा कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है। बस सिर्फ मैं दो इससे बताऊँगा और इम्पॉर्टेंट है जो भी साइंस साइंस एंड ह्यूमन हैप्पीनेस हैप्पीनेस। ठीक है ना, पहला इससे हुआ और दूसरा इससे पोल्यूशन। देखिए, पोल्यूशन पर ज़रूर तैयार कर लीजिएगा जिससे कि आपको पोल्यूशन में प्रॉब्लम ना हो, पोल्यूशन में आपको दिक्कत ना हो लिखने में। तो पोल्यूशन इस समय ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है देश में, तो पोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, बनता ही है कि पोल्यूशन पर पूछे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है ना, अब मैं बता रहा हूँ कि इससे को किस प्रकार से लिखे, कौन सा इससे लिखे, कैसे लिखे। ठीक है ना, बस बने रहें लास्ट तक वीडियो में, जिससे कि अगर आपको ये पता करना है कि इससे को किस प्रकार लिखे कैसे नंबर 12 का 12 नंबर मिलेगा, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको चार पांच ऐसे रहेगा उसमें। ठीक है ना, चार पांच में से चूज करने के लिए रहेगा, आपको सिर्फ एक ऐसे लिखना है। और एक ऐसे में कौन ऐसे लिखेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा आता हो, जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज हो, वही इससे आपको लिखना है, जिससे कि आपका नंबर ना कट सके और इससे आपको जो आता है वही लिखना है। ठीक है ना, ये तो क्लियर हुआ, जो आपको आता है वही आपको इससे लिखना है। दूसरा, नंबर कैसे 12 का 12 आए, ये मेन पॉइंट बनता है। देखिए, नंबर कब उठेगा, जब आप सबसे ज़्यादा पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट ज़्यादा हेडिंग जिसको बोलते हैं, हेडिंग सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लिखो कम लेकिन हेडिंग सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और इतना भी ज़्यादा नहीं कि लिखने से ज़्यादा हेडिंग हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। एक लिखो हेडिंग, तो इससे ज़्यादा कम से कम लिखो। जैसे यहाँ पर हेडिंग आप लिख दिए, यहाँ पर इतना पूरा एक चीज़ लिखो उसके बारे में। ठीक है ना, तो हेडिंग लिखो, हेडिंग के बारे में उसके नीचे अच्छे से ज़्यादा लिखें। अब बात उठती है कितना हेडिंग लिखें, 12 मार्क्स का होता है, कम से कम अगर आप 9-10 हेडिंग लिखेंगे। अब बोलोगी कि भैया 9-10 हेडिंग लिखेंगे कहाँ से, इतना हेडिंग तो होता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको जो है, जो आपको दिया रह गए एग्ज़ाम में, उसमें से छांट के जो आप सोल्यूशन लिखने जा रहा हो, जो उसके बारे में लिखेंगे उसमें से आप हेडिंग उठाइए। हेडिंग आप खुद से बनाइए, और कभी भी बुक का कभी नहीं किया जाता है। जो जैसे बुक का आप रट लिए और वही आप लिख दिए, तो आपको नंबर कम मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि यह रट कर लिखा है या नकल करके लिखा है, तो दोनों तरफ सोच सकता है। तो आप उनको ऐसा ना करने दें, आप जो भी लिखें अपने मन से बना के लिखें, लेकिन आप घर से पढ़ के जाएं। जब तक उसके बारे में आप जानते नहीं रहेंगे, तब तक उसके बारे में आप नहीं लिख सकते हैं। अगला ये है, जैसे आप ऐसे लिख दिए, ठीक है ना, ऐसे तो लिख दिए, यहाँ से लिख रहे हो, यहाँ तक लिख दिए, मान लेते हैं ये यही पूरा मेरा गलत हो गया, तो इसको ऐसे करके काटेंगे नहीं। एग्जामिनर जो होता है, कापी चेक करता है, वो एक एक अक्षर देखकर नहीं चेक करता है। आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे गलत हो गया कोई बात नहीं, इसी में लिखते चले जाओ आप। अगर करना भी है तो एक कट ऐसे कर देना है और एक कट ऐसे, नहीं तो एक ही रहने दीजिए। मैं कहूँगा कि आप कट करिए ही ना, क्योंकि आपको नंबर अच्छे से एकत्रित करना है, बटोरना है नंबर को, तो आप गलत ना काटें, जिससे कि नंबर में प्रभावित नंबर ना हो सके, आपका 12 नंबर से कम ना दे सके इससे वाले। बस यही, अगर इतना पॉइंट आप ध्यान देंगे तो आपको पूरा का पूरा अच्छे से नंबर मिलेगा। बस इतना ही इस वीडियो में, तो आप एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए, यही हम सब
इसीलिए आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और भी इंग्लिश का वीडियो आप सब तक पहुंचाया जाएगा जल्द ही। चैनल पर फर्स्ट टाइम जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक तो जरूर बनता ही है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।